हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो गाइस कल जो हमने पेडिशन की थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने काफी अच्छा खासा बोन किया और ग्रैंड लीग में भी आपकी अच्छी रैंक आई होगी क्योंकि काफी ज्यादा पेडिशन हमारी करेक्ट गई थी। मैंने आपसे कहा था क्या नाम आपका, इमरान ताहिर जैसा प्लेयर बिल्कुल फ्लॉप जा सकता है, वो फ्लॉप गया। प्लस यहाँ पर कॉलिंग इंग्राम जिसको बहुत कम लोग रखने के लिए था, हमने आपको वो रखने के लिए कहा, हमने खुद रखा, तभी जाके हमारी रैंक 75 पे आ पाई। अगर कैप्टन बना तो बात रहती क्योंकि हमारा कैप्टन मोइन अली और यहाँ पर जेसन रॉय हमारा सबसे ज्यादा वॉइस कैप्टन था, इसी वजह से रैंक थोड़ी कम रही क्योंकि कॉलिंग इंग्राम भैया जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। प्लस हमारे पास अनपरफॉर्म प्लेयर यहाँ पर टॉम गुरान को रखा था, इसी वजह से हमारी टीम थोड़ा ज्यादा रैंक नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा खासा रैंक किया होगा कॉलिंग इंग्राम के साथ। बाकी चले बात करते हैं टीम आज जो एमएनआर और एसओबी, केवल एकमात्र मैच खेला जाना है और इन्हीं का वुमेन्स का भी है। ये मैच ठीक ठाक है पर ग्रैंड लीग के लिए, हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए मेरे हिसाब से कुछ खास गेम है नहीं। अगर आप खेलना चाहते हो खेल सकते हो, आपकी मर्जी है क्योंकि इस मैच में काफी कुछ आपको नॉलेज मिलने वाली है। आगे वीडियो को देखते रहना, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर तो पता नहीं कौन सी स्कीम से आप वीडियो देखते हैं, समझ में नहीं आती कि यहाँ पर वीडियो 3 से 4 मिनट का वॉच टाइम आता है तो उसमें यार कुछ नहीं होगा गाइस, फायदा आप लोगों का ही है। अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या लड़ानी है, गेम की किस तरह आपको गेम प्ले करना है। चार टीम्स आपको ग्रैंड की दूंगा, उम्मीद करता हूँ इन चार टीम से आप न जाने कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बस थोड़ा वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा किस तरह के कॉम्बिनेशन आपको ग्रैंडिंग में उतार रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं टीम्स की, ग्रैंडिंग की बात करेंगे। और उससे पहले फ्रेंड आपसे सबसे पहले तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में वीडियो अगर लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्कशन में क्योंकि फाइनल प्रेडिक्शन टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही होती है, ठीक है। तो टेलीग्राम मेरे हिसाब से मस्ट है, ज्वाइन करना, बाकी आपकी मर्जी है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर पॉइंटर्स, हमारे क्या क्या यहाँ पर पॉइंटर्स रहने वाले हैं इस मैच के लिए जो खेलने वाले हैं हम लोग, एमएनआर वर्सेस एसओबी, थोड़ा ध्यान से देख लेना। 10 पॉइंटर है, 10 अगर ध्यान से देख लोगे हेड टू हेड थ्री में तो रैंक आपकी अच्छी आएगी, साथ में ग्रैंड लीग में भी आप अच्छी रैंक में आ सकते हो। सबसे पहले पिच रिपोर्ट, मैनचेस्टर में मैच खेला जाने वाली, मैनचेस्टर वाला का जो इनका है होम ग्राउंड है, मैनचेस्टर में मैच खेला जाएगा और इस पिच का जो हिसाब किताब है ना, एक बार न्यूट्रल विकेट कह सकते हो कि न्यूट्रल विकेट है। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर बारिश के चांसेस हैं तो उस सिचुएशन में आपको कैसे टीम्स बनानी है वो भी आपको बताऊंगा, सब कुछ इसमें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो को। यहाँ पे पिच जो है ठीक ठाक है, एक न्यूट्रल विकेट है, यहाँ पे 140 के आसपास का 30-40 के आसपास का स्कोर आपको दिख जाएगा, उसके साथ साथ 5 से 6 विकेट मिल जाएंगे। और गाइस इन दोनों टीम्स की आपको खासियत बताता हूँ क्या है, ये जब दोनों जो दोनों टीम्स है ना, ये रन तो बनाते हैं 130-140 के आसपास रन तो बनाते हैं, पर साथ में अपनी 7-7, 8-8 विकेट और कोई टीम ऑल आउट भी हो जाती है, इतनी विकेट दोनों के दोनों देते हैं। तो आज आपके पास जितने ज्यादा ऑलराउंडर्स मैक्सिमम बॉलिंग कराने वाले और जितने ज्यादा बॉलर्स आप रख सकते हो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपको अच्छा फायदा दिला सकते हैं, आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कैसे। उसके बाद बात करते हैं पिच रिपोर्ट, हमारी पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है। पिच रिपोर्ट भाई पहला वाला मैच जो वुमेन्स वाला है वो तो आपको मेरे हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, वो तो आपको पूरा या हो सकता है उसमें कुछ रुकावट आए, बट ये वाला मैच में थोड़ा बारिश के चांसेस हाई है, हो सकता है ये मैच थोड़ा कम ओवर का हो या फिर ज्यादा ओवर का हो, आपको देख लेना है। अगर कम ओवर का होता है वो भी स्ट्रेटेजी आपको पता ही है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और मेन बॉलर्स आपको रखने होते हैं, वही चीज आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। और मैं ये हिसाब से चल रहा हूँ कि ये मैच आधा अधूरा आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसीलिए कह रहा हूँ ग्रैंड लीग बढ़िया है इस मैच के लिए क्योंकि ग्रैंड लीग में लग गया तो वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ग्रैंड लीग ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बैट बॉल 11 विजन 11, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट अपना हेड टू हेड थ्री मेंबर का ओनली अगर प्लेयर स्पॉट माई फाइव 11 जैसी ऐप पर रख रहे हो तो बंद कर दो क्योंकि एंट्री फीस हाई लेवल पे है, बहुत ज्यादा एंट्री फीस ली जाती है। बैट बॉल 11 विजन 11 दोनों की दोनों बहुत अच्छी ऐप है, लेटेस्ट में मस्त ऐप है, खेल के देखो आपको पता जाएगा, एंट्री फीस बहुत कम है, प्लस इंस्टेंट विड्रॉल पर और क्या चाहिए, ठीक है। लिंक नीचे दोनों के डिस्कशन में लेंगे, साथ में रेफरल कोड चंद123 जरूर यूज करना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस की, बात करें दोनों टीम्स का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो कुछ खास यहाँ पर दिखा नहीं मुझे। मैनचेस्टर ने यहाँ पे 4 मैच खेले, 4 के 3 ही मैच समझ लो, 3 में से 2 अपने जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 मैच इनका जो है रद्द हुआ है। और यहाँ पर एसओबी की बात करें, एसओबी ने यहाँ से 4 मैच खेले हैं, 2 अपने जीते हैं और 2 मैच यहाँ पर हारे हैं, और जीते हारे भी वैसे ही हैं कि वो अपने 7-7, 8-8 विकेटें देखे जीते हैं और 7-7, 8-8 विकेटें देखे हारे हैं। जो उसके बाद यहाँ पे ये इनका परफॉर्मेंस था टीम्स का दोनों का अब तक का सफर 100 बॉल का। ग्रैंड लीग के प्लेयर्स की बात करेंगे, जो रिटेन प्लेयर आपको रखने होते हैं वो आपको मैच यहाँ पर मतलब टीम्स देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रखने, बाकी बता दूं आपको कौन कौन से आपके मस्ट रिटेन प्लेयर आपको रखने हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन, सबसे मुश्किल होता है तय करना, स्पेशली इन मैचेस में जिनमें 3-3 विकेट की बोलते हैं उनमें थोड़ा मुश्किल होता है तय करना कि किस तरह का कॉम्बिनेशन लेके जाए अपनी ग्रैंड लीग की टीम के लिए। तो इस मैच में जो लग रहा मुझे ग्रैंड लीग है, जो ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन रहने वाला है सबसे बेस्ट वो आपका ये है,
दो विकेट कीपर, तीन बैट्समैन, तीन ऑलराउंडर और तीन यहाँ पर बॉलर्स के साथ आपको जाना। अगर मैच आपको देखे ज्यादा ओवर का, ज्यादा मतलब ओवर से मतलब बॉल्स का यार, मतलब 75 या 70 बॉल या 80-50 बॉल तक अगर आपको मैच दिखे तो आपको ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो कर लेना है। अगर आपको मैच दिखे मुश्किल से 20 बॉल, 25 बॉल, 30 बॉल का, तो भाई आपको सीधा ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर देना, सबसे बेस्ट और सुपर। तीन विकेट कीपर, तीन बैट्समैन, दो ऑलराउंडर और यहाँ पे तीन बॉलर्स के साथ जो आपके 11 प्लेयर कंप्लीट होते हैं, ये कॉम्बिनेशन आपको पता चलेगा। तीसरे प्लेयर के हमारे जो तीसरे नंबर के प्लेयर है वो एलेक्स डेविस हैं, वन डाउन आएंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाएंगे। जब यहाँ पे मैच 20 से 22 या 30-35 ओवर 30-35 बॉल का भी होगा ना, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। तो आपको ये कॉम्बिनेशन आपको सेकंड में ट्राई करना है जब बारिश होगी, पहला वाला कॉम्बिनेशन आप नॉर्मल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा कॉम्बिनेशन, प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन हमारा हो चुका। बाकी ग्रैंड के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन जो रहेंगे, आगे वीडियो में आप टीम्स देखोगे बता दूंगा कौन कौन से प्लेयर बेस्ट रहने वाले आपके ग्रैंड के लिए। बाकी फाइनल तो हम टॉस के बाद टेलीग्राम पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे गेम प्लान की बात करें, गेम प्लान आपको रखना है यहाँ पे मैक्सिमम मेरे हिसाब से छोटी गेम रखना, ये समझ लो 130 या 140 के आसपास का स्कोर अपना माइंड सेट कर लो। और पहले वाले विकेट जो पहले टीम खेलेगी उसको भी कम से कम 7 से 8 विकेट लग जानी है इतना स्कोर बनाने में, और यहाँ पे जब जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको भी इतना टाइम लग जाना है, यानी इतने विकेट्स लग जाने हैं। और चीज ध्यान रखना, अगर मैनचेस्टर पहले बॉलिंग करती है तो हो सकता है यहाँ पे एसओबी की टीम जो है बिल्कुल ऑल आउट ही होती नजर आ जाए आपको, ऐसा भी होता है कम स्कोर पे 100 के आसपास या फिर 110-120 के आसपास जो है टीम ऑल आउट होती नजर आ जाए। अगर पहले बॉलिंग लेती है तो आपको ट्राई कर लेना है यहाँ के बॉलर सबसे ज्यादा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट प्लेयर के, हमारे कौन कौन से वेस्ट प्लेयर रहेंगे वो आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। बाकी क्या यार कल हो सकता है शायद मैं आपको मतलब इतना अटेंटिव नहीं रह पाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे फादर एक्सपायर हुए थे जुलाई में, तो उनके आज मतलब एक बरसी का प्रोग्राम होता है साल में होता हो, तो वो कल है, तो फिर हो सकता है मैं कल या हो सकता है वीडियो भी आपको ना मिले। तो कोशिश करना खुद से अपनी टीम बनाने की ग्रैंड की, बाकी बेस्ट ऑफ लक तो हमारा आपके लिए हमेशा ही होता है। तो कल हो सकता है मैं यहाँ पे वीडियो अगर नहीं दे पाया तो फिर आप जो है खुद से टीम बनाना। बाकी चलिए बात करते हैं यहाँ पे चार ग्रैंड की टीम्स आपको दूंगा, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम नंबर वन का, हमारा क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है और कौन से हमारे प्लेयर्स यहाँ पे बेस्ट रहने वाले हैं। और ध्यान रखना गाइस, जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो हमारे एसओबी के प्लेयर हैं और जो रेड कलर में लिखा हुआ वो हमारे मैनचेस्टर के प्लेयर है। तो यहाँ पे एसओबी से बात करें, क्विंटन डिकॉक को रखा है, जेम्स विंस को रखा है और डी कॉनवे को रखा है। टॉप ऑर्डर ही है, चाहे बाद में इनकी टीम बाद में बैटिंग करे या पहले बैटिंग करे या फिर बारिश हो या ना हो, दोनों में काम आने वाले प्लेयर है। फिर सॉल्ट को रखा है, क्लार्क को रखा है। क्लार्क थोड़ा डाउट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश होती है तो फिर क्लार्क को लेना लेना थोड़ा मुश्किल होता है। बारिश होगी तो फिर इनकी जगह आप कॉलिंग मुंडो इनको ट्राई कर सकते हो, या फिर इनके जो मतलब टॉप ऑर्डर ओपनर या वन डाउन हो उनको ट्राई कर सकते हो, जो क्लार्क को आप ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद गाइस बात करें, आज इस मैच में आपको स्पेशली बता रहा हूँ जो भाई हमारे व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। ग्रैंड लीग के लिए अगर जीतते हो तो अच्छी बात है, अगर रैंक अच्छी आती है तो भी बेस्ट ऑफ लक भाई, ग्रैंड लीग में रैंक लाने की बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर गाइस आज के मैच में लियाम डॉसन और यहाँ पे कॉलिंग अकरमैन, ठीक है, लियाम डॉसन हो गए, कॉलिंग अकरमैन हो गए, ग्रैंडम हो गए। ये गाइस आप देख रहे होंगे दो दो ओवर कर, मतलब दो दो ओवर के मतलब अभी दस दस पंद्रह बॉल करते, कभी 10 करते, कभी 5, कभी 15, इस तरह से बॉलिंग करता है। और ये तो खैर लियाम डॉसन और कॉलिंग अकरमैन तो 10 ही करता है, कॉलिंग अकरमैन भी 10 ही बॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आज के मैच में आपको रेयर बता रहा हूँ, ये तीनों के तीनों आपको मैक्सिमम 15-15 बॉल करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आज फेवर में है पिच इन लोगों के, तो ये लोगों को ड्रॉप करने की कोशिश मत करना। दुनिया पड़ी है कार्लोस ब्रैथवेट के पीछे और मैं कार्लोस ब्रैथवेट को मैक्सिमम अपनी एक दो टीम में ट्राई करूंगा। आपको पता है 6 टीम का हमारा ग्रैंड लीग का लॉजिक है, तो मैं उन 6 में से मुश्किल से एक टीम में रखूंगा कार्लोस ब्रैथवेट को, अदरवाइज मैं हो सकता है मूड फिर या लास्ट में उसे भी नहीं रखूंगा, ठीक है, क्योंकि कार्लोस ब्रैथवेट मुझे लगता नहीं है कुछ खास परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो यहाँ पे लियाम डॉसन, अकरमैन और जो आपका कॉलिन ग्रैंडहोम, इन पर ज्यादा फोकस करना ज्यादा टीम्स में रखने की, बाकी कार्लोस ब्रैथवेट पर थोड़ा फोकस कम ही करोगे। मतलब अगर आप 10 टीम के साथ खेल लो, आपका 10 का लॉजिक है, तो 10 टीम के साथ खेल लो तो 10 में से 2 टीम में या 3 टीम में मैक्सिमम रख लिया, अदरवाइज इतना में भी मत रखना, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे कॉलिंग अकरमैन और यहाँ पर ये हो गए लिंटॉट, हो गए मैथ्यू पार्किंसन और फर्गुसन, ये प्लेयर मतलब बॉलर्स में रहने वाले हैं। और गाइस जो इंपॉर्टेंट हमारे प्लेयर हैं लियाम डॉसन, कॉलिंग अकरमैन, मैथ्यू पार्किंसन, जे लिंटॉट, ये इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मेरे, आज जहां तक मैं रखता हूं मेरी 6 की 6 टीम्स में सारे के सारे रिटेन होने वाले हैं, ठीक है। ये रिटेन प्लेयर की लिस्ट में जो यहां पर लिखा हुआ ना, कहा गया हमारा रिटेन प्लेयर्स, यानी जीएल के रिटेन प्लेयर है, ये मैं अपनी मोस्टली टीम्स में रखूंगा, ठीक है। तो ये रही टीम हमारी पहली, टीम नंबर वन। कैप्टन की बात करें जेम्स विंस को और वाइस कैप्टन यहाँ पे फिलिप सॉल्ट को ट्राई किया, वही सोच के कि बारिश होगी पहले बैटिंग करेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं टीम नंबर टू का, हमारा क्या कॉम्बिनेशन है हमारा टीम नंबर टू के लिए। यहाँ पे डिकॉक को रखा हुआ है, फिर से फिलिप सॉल्ट को रखा हुआ है, जेम्स विंस को रखा है, डिकॉनवे को रखा है और कॉलिन मुन्रो को मैंने अपनी टीम में ट्राई कर रखा है। कॉरनी ग्रैंडहोम है यहाँ से, और यहाँ से लियाम डॉसन को रखा है, लिनटॉट को रखा है, और यहाँ से केवल एकमात्र कॉलिन अकरमैन को रखा हुआ है, मैथ्यू पार्किंसन है, और यहाँ पे जो है लॉकी फर्गुसन है। लॉकी फर्गुसन जो है ये मैंने अपनी टीम में रखा है। तो ये रहेगी गाइस हमारे टीम वन, टीम नंबर वन और टू का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर गाइस आप करके सकते हो, तो मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन मैथ्यू पार्किंसन को कैप्टन बना रखा और वाइस कैप्टन मैंने जेम्स विंस को बना रखा। अब आपको हो गया कि भाई ये तो विकेट तो इसी के लिए जाएगा, पर गाइस एक चीज ध्यान रखना, जब तक ये पहले बॉलिंग के लिए आएगा तब तक ये हो सकता है काम कर चुका हो अपना एज ए वाइस कैप्टन का। तो पार्किंसन पर उम्मीद है आज 203 विकेट लेने की, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये रही गई हमारी टीम नंबर वन और टू। अब चले से बात कर लेते हैं जल्दी से टीम नंबर थ्री एंड फोर का हमारा क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है और कौन से हमारे आज वेस्ट प्लेयर जा सकते हैं उनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि फाइनली आपको प्लेयर्स अच्छे चुनने होते हैं तभी आपकी ग्रैंडिंग में रैंक आती है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन से प्लेयर रखने कौन से नहीं रखने। तो यहाँ पे मतलब अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो कोई फायदा नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। चलिए बात करते हैं हमारी टीम नंबर थ्री एंड फोर का क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं टीम नंबर थ्री एंड फोर का हमारा क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला और कौन से हमारे वेस्ट प्लेयर हो सकते हैं और कैसे जो वेस्ट प्लेयर हैं उनको आपको ट्राई करना है ग्रैंडिंग में, वो सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी फ्रेंड आपसे फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो अगर अब तक लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से, और कोई वैल्यूबल कमेंट हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डायरेक्ट हमारे चैनल पर ज्वाइन होता है। और जितना जल्दी होता है भैया बैट बॉल और विजन 11 डाउनलोड कर लो, लिंक दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि फायदा आपका ही है। वहां पे एंट्री फीस बहुत कम ली जाती है, 23 मेंबर हो तो खेल के देखो आपको पता चलेगा, बेकार लगे तो इंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं टीम नंबर थ्री का हमारा क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहने वाला है। विकेट कीपर में फिलिप सॉल्ट को लिया हुआ है एकमात्र प्लेयर, ना तो यहाँ पे एलेक्स डेविस है और ना यहाँ पे आपको क्या नाम है क्विंटन डिकॉक है। उसके बाद यहाँ पे जेम्स विंस को रखा है, कॉनवे को रखा हुआ है, जॉक क्लार्क को रखा है और यहाँ पे कॉलिन मुन्रो को रखा हुआ है। तो ये मेरे चार बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर की बात करें लियाम डॉसन है, कॉलिन ग्रैंडहोम है और यहाँ पर कॉलिन अकरमैन को अपनी टीम में ट्राई कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे लिनटॉट को रखा हुआ है, मैथ्यू पार्किंसन को रखा और यहाँ पर लॉकी फर्गुसन को अपनी टीम में ट्राई कर रखा है। तो क्या जब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन यहाँ पर कॉलिन अकरमैन के साथ जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन यहाँ पर लिनटॉट के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर बैटिंग में जैसे कॉलिन मुन्रो है, जेम्स विंस है, डिकॉनवे है, फिलिप सॉल्ट है, काफी ज्यादा चॉइसेस आपके पास है एज ए कैप्टन जाने के लिए। अगर बॉलर्स में जाना है तो फिर मैथ्यू पार्किंसन लिनटॉट काफी अच्छी चॉइस है। चलिए बात करते हैं टीम नंबर फोर का हमारा, टीम नंबर फोर हमारी क्या रहने वाली है। विकेट कीपर में एलेक्स डेविस को रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर फिलिप सॉल्ट है, डिकॉनवे को रखा है और इसीलिए यहाँ से मैंने क्या नाम अपना जेम्स विंस को बाहर कर दिया है, क्योंकि भाई ये इसका फायदा तभी होगा रखने का जब जेम्स विंस वगैरह नहीं चलेंगे तभी हमारा फायदा करेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलिन मुन्रो को रखा और जॉय क्लार्क को रखा हुआ है। यहाँ पे ऑलराउंडर्स की बात करें, ग्रैंडहोम है, लियाम डॉसन है और यहाँ पे कॉलिन अकरमैन को फिर से अपनी टीम में रखा हुआ है। लिनटॉट है, मैथ्यू पार्किंसन और गई ये सी हारिसन, ये प्लेयर है ना गई भाई, ये भी लास्ट मैच में आपको दो ओवर करता दिखा हुआ, हो सकता है इस मैच में भी यानी 10 से 15 बॉल करा दें यहाँ पे, क्योंकि पिच इनके फेवर में। तो हैरिसन भी आपकी ग्रैंडिंग में कम से कम ज्यादा टीम में ट्राई करना, क्योंकि ये बंदा ना आपको आज विकेट लेता हुआ नजर आ सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना, इग्नोर मत करना, कहने का मतलब ये है इस प्लेयर को ग्रैंडिंग में, ठीक है। तो ये रही गाइस हमारी टोटल टीम नंबर थ्री एंड फोर का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर लाइक नहीं करी तो भाई कर दो यार। विकेट कीपर बात करें, विकेट कीपर में वेस्टेज प्लेयर हमारा मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है आज के मैच में, कोई भी यहाँ पर वेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि भाई एलेक्स डेविस है, फिलिप सॉल्ट है, क्विंटन डिकॉक है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स आपको देके जाएंगे। अगर एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर दे रखा है, ये वाला कॉम्बिनेशन, अगर यहाँ पे बारिश होती है ना तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेके चलना है और तभी फायदा होगा आपको अपनी ग्रैंडिंग की टीम्स में। तो यहाँ पर हमारे एलेक्स डेविस, क्विंटन डिकॉक, फिलिप सॉल्ट तीनों आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी एक ऑलराउंडर जैसे क्या नाम आपका कॉलिन अकरमैन टॉप ऑर्डर में खेलने आते हैं, कॉलिन ग्रैंडहोम टॉप ऑर्डर में खेलने आते हैं, आप लियाम डॉसन को बेशक आप ड्रॉप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट यहाँ से उसके बाद तीनों को ट्राई करना, ठीक है। तो विकेट कीपर तो कोई प्लेयर है नहीं आज के, एनए है, ठीक है। अब बात करें बैटिंग में से, बैटिंग में हमारे कौन कौन से प्लेयर जो है बेच जा सकते हैं। एक तो नंबर वन बात हमारा रॉस वेटली, हर मैच में मतलब एक एवरेज स्कोर ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जा रहा है, हो सकता है आज के मैच में ये बंदा ड्रीम टीम के हिस्से में दिखे नहीं, क्योंकि एकदम मतलब खेलने के लिए डाउन आ रहा है, डाउन खेलने के लिए आता है, अगर बारिश हो गई तो फिर भाई इस बंदे की बैटिंग भी नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे टी लमोनी है, ये भी आज के मैच के लिए बेकारी फालतू प्लेयर है, तो इन दोनों इनकी तरफ से मेरे हिसाब से देखना नहीं है अगर मैच पूरा होता है, बारिश नहीं होती है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट का भाई कोई भरोसा नहीं है। नेट पर जो दिखाते ना, जिसमें बारिश दिखाते हैं दबा के उसमें बारिश होती नहीं है, और जिसमें बारिश नहीं होती है मतलब नहीं दिखाते उसमें बारिश हो जाती है। तो नेट पर इससे जो जाना, टॉस पर जाना, टॉस के टाइम जो वेदर रिपोर्ट आती है उस पर बिलीव करना। अगर यहाँ पे
रॉस बैटी तभी रखना टीम में जब जब हमें मैच पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज रॉस बैटी को मत रखना, ठीक है। उसके बाद कार्लोस ब्रैथवेट और क्रिस जॉर्डन दोनों के दोनों मेरे हिसाब से आज के मैच में फ्लॉप प्लेयर जा सकते हैं, हालांकि हमने एक टीम में रखा है, रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मैच अगर आधा अधूरा होता है तो फिर तो मैं किसी भी टीम में नहीं रखूंगा, कार्लोस ब्रैथवेट को मैं निकाल दूंगा। फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन है, इनमें मतलब इग्नोर करके चलोगे ज्यादा फायदा रहेगा। अगर 10 टीम के साथ जा रहे हो तो 10 में से एक दो टीम में रख लेना इन प्लेयर्स को, ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर बॉलर्स में से आपके लिए कौन कौन से प्लेयर मेरे हिसाब से आज के मैच में फ्लॉप होते हैं, मैच आधा अधूरा होगा, एस फिन फ्लॉप जाएंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद हमें टी हार्टी फ्लॉप रहने वाले हैं और यहाँ से जी गार्डन प्लेयर रहने वाले हैं। तो ये प्लेयर रहेंगे बॉलर्स में जो यहाँ पर आज के मैच में फ्लॉप जा सकते हैं। मेन जो परफॉर्मेंस वाले प्लेयर है मैंने आपको बता दिया, रेटेड प्लेयर आपको बता दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन आपकी समझ में आ चुका होगा। अब तक अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी ना तो आपकी समझ में आ चुका होगा किसको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, कौन से अपने टीम में रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो गाइस यही होता है, यही एनालिसिस होता है जो हम यहाँ पर करते हैं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब किया कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन कंटेंट है वो हमारा ड्रीम की ग्रैंड लीग का है, तो ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन यहाँ पर होती है और अच्छा खासा लोग वॉन भी करते हैं और हमारी टीम से ही हेड टू हेड 3 मेंबर की टीम भी निकालते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनकी टीम मोस्टली यहाँ पे फ्लॉप ही जाती है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ पे टीम उनकी वायरल होती है, हालांकि रैंक भी कर जाती है उनकी टीम, वो इसलिए करती है क्योंकि ना सारे टीम्स वायरल होती है। आप भी उनकी वीडियो देखते हो, मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, आपने उनकी टीम देखी और मैंने भी अपनी टीम देखी, उनकी टीम देखी, चल भाई चेप दी उनकी टीम, कॉपी पेस्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है रैंक लेस होती है और मतलब एक विनिंग टीम बढ़िया वाली नहीं बन पाती। तो यही होता है, थोड़ा सा एनालिसिस करके खुद से अपनी टीम बनाओ तो उसी में फायदा है। और क्या लोग कहते हैं कि भाई आप ग्रैंड लीग की टीम मतलब टेलीग्राम पर नहीं देते हो, तो भाई यार कौन कैसे दे सकता बताओ। अब देखो टॉस होने का जो बात टाइम होता है ना, मैक्सिमम टाइम हमारे पास 20 मिनट का टाइम होता है, ठीक है। 20 मिनट में मेरी खुद की 6 टीम ड्रीम इलेवन में होती हैं और 6 टीम मेरी बैट बॉल इलेवन में होती हैं, तो इन और बाकी दो या तीन चार वो मेरी हमारी जो विजन इलेवन ऐप है उस पर होती हैं। तो गाइस इतनी टीम 20 मिनट के अंदर मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ और कैसे मैं आपको टीम दे सकता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेके, और कैसे मैं अपनी ड्रीम इलेवन की जो प्रेडिक्शन है वो कर सकता हूँ। अब 20 मिनट में गाइस आप खुद सोचो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं टेलीग्राम पे केवल प्रेडिक्शन करता हूं, जो हमारे टीम के लिए बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं, वो आपको टेलीग्राम पे बताता हूं, और बाकी टीम्स में इसलिए और ग्रैंडी की टीम्स कोई देगा भी क्यों भाई, सबसे पहले ये बताओ कोई आपको ग्रैंडी की टीम देगा क्यों। अगर इतना बड़ा धुरंधर इतना बड़ा वो होगा तो भाई वो खुद जीतेगा, तुम्हें क्यों देगा यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जो ये मतलब इस तरह का यार स्टूपिड सा क्वेश्चन करता ना मेरे, तो वही समझता है ऐसा क्वेश्चन करते क्यों कि भाई आप ग्रैंडी की टीम दो, कोई नहीं देगा भाई, कोई भी नहीं देगा, कोई इतना बड़ा धुरंधर नहीं है, ठीक है। सब प्रेडिक्शन बेच जाती है, बस यहाँ पे इतनी आपको वीडियो देने का मतलब यही है कि भाई आपके प्रेडिक्शन कुछ हमारे से मिस हो जाए तो आप उसको कैच करो और आपकी टीम अच्छी हो जाए, यही जो मेन मोटो हमारा यही होता है। तो चलो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, लास्ट में जो मेरा सजेशन था, सजेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।